Now we are going to do the question answer of this lesson. First question is, when do children go to school in Topsy turvy land? पहले question में क्या पूछा गया है कि Topsy turvy land में बच्चे school कब जाते हैं? अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वो है बच्चे स्कूल कब जाते हैं? मॉर्निंग टाइम में, दिन में जाते हैं. लेकिन Topsy turvy land, बिकॉज वो सारी अपसाइड डाउन लैंड है, वहाँ का सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, वहाँ पर बच्चे कब जाते हैं? द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट नाइट इन Topsy turvy land. बच्चे वहाँ स्कूल कब जाते हैं? एट नाइट, रात में. तो आपको आंसर यहीं से पिक करना है. देखिए, आपको मैं आंसर लिखने का तरीका ही बता दे रही हूँ. आप ये जो है when do, क्वेश्चन वाले वर्ड्स को हटा दे. जब आपको आंसर लिखना हो तो आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही होता है. मैंने पहले ही बताया था, आप क्वेश्चन में ये वर्ड आप हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, और यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा. ऐड कर लीजिए, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन Topsy turvy land है, तो कब जाते हैं? एट नाइट. यहाँ ऐड कर लीजिएगा इन Topsy turvy land, आपका आंसर पूरा हो गया. आपको इसके आगे केवल एट नाइट ऐड करना है, आपका पूरा आंसर हो गया. या आप ऐसे कर सकते, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन Topsy turvy land एट नाइट. ये भी आपका करेक्ट है, दोनों तरह से सही है. तो आपका आधा आंसर इसी में क्वेश्चन में ही होता है. बहुत बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं इनको एक इसका तरीका बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन इन वर्ड हटाकर वहां से आप आंसर को पिक कर सकते हैं. अब है सेकंड क्वेश्चन. इन द पोयम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइट टू बी. क्या कह रहा है कि पोयम में आपने पढ़ा है कि बसेस जो है वो सी पर ट्रेवल करती है, समुद्र पर ट्रेवल करती है. तो देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, फिर अगर सी पे बसें ट्रेवल करती हैं तो समुद्र में जो है स्ट्रीट्स पे क्या हो, उसमें बोट्स जो है वो कहाँ ट्रेवल करती होंगी. कह रहा है अगर बसें समुद्र में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा ना कि समुद्र पर बोट्स ट्रेवल करती हैं, लेकिन यहाँ पर बसेस ट्रेवल करती हैं, तो फिर बोट्स कहाँ ट्रेवल करती होंगी. तो क्या कह रहा है कि बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट्स इन Topsy turvy land. बोट्स कहाँ ट्रेवल करती है? स्ट्रीट्स पर ट्रेवल करती हैं, बिल्कुल यहाँ से अलग है, डिफरेंट है. हम लोगों के यहाँ बस कहाँ चलती है? सड़कों पर चलती है. और Topsy turvy land में बस कहाँ चलती है? समुद्र में चलती है. और बोट्स कहाँ चलती है? सड़कों पर चलती है. अब इसके आगे कह रहा, हाउ शुड इट राइटली बी, ये कहाँ तक सही है, ऐसा क्या सही होता है? तो हमें पता है, दिस इज नॉट करेक्ट. क्या सही होता है कि बसेस शुड रन ऑन रोड्स, बस को कहाँ चलना चाहिए? रोड्स पे चलना चाहिए. और बोट्स को कहाँ चलना चाहिए? सी पर चलना चाहिए. ये सही होता है, लेकिन ऐसा वहां नहीं होता. Now the last question is, I have not written the question here. यहाँ मैंने question नहीं लिखा, books यहाँ copy कर लेंगे. In the Topsy turvy land is very different from our land. आपने poem पढ़ी, इससे आपको पता चला कि Topsy turvy land हमारे land से बहुत different है, बहुत अलग है. Here let's draw comparison by filling sentences wherever needed. अब आप एक comparison draw करिए, दोनों के बीच में तुलना करिए, compare करिए कि क्या क्या वहाँ अलग है. कुछ सेंटेंसेस इन्होंने लिखे हैं और कुछ वहाँ पर बुक में आपसे पूछे गए हैं. जो आपसे उन्होंने पूछा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. सारे सेंटेंस मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप बुक से, आप बुक की हेल्प लेंगे और जो उसमें लिखे हुए हैं वो बुक में लिखेंगे, बुक से लिखे हैं. और जो नहीं लिखे हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है. फर्स्ट है कह रहा Topsy turvy land, वहाँ पर क्या होता है? द सेंटेंस इज गिवन हियर, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. Topsy turvy land में लोग कैसे चलते हैं? हेड के थ्रू चलते हैं. लेकिन अवर लैंड में, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ क्या डिफरेंट है? पीपल वॉक ऑन देयर फीट. लोग कैसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन Topsy turvy land एंड अवर लैंड. द सेकेंड सेंटेंस में क्या दे रखा है? द बसेस रन ऑन द लैंड. अवर लैंड में क्या है? वहां पे दे रखा कि बस कहाँ चलती है? लैंड पे चलती है. Topsy turvy land में क्या है? The buses run on the sea. Buses कहाँ चलती है? सी पर चलती है, समुद्र में चलती है. Then third sentence is, they wear their hats on feet in Topsy turvy land. Topsy turvy land में लोग अपने hats कहाँ पहनते हैं? फीट में पहनते हैं. लेकिन आपने देखा, हम यहाँ ऐसा नहीं करते ना. अगर हम लोग ऐसा यहाँ फीट में हैट पहनेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे और लोग हंसेंगे भी. तो हम लोग क्या करते हैं? They wear their hats on their feet. Our land में, अवर लैंड में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम अपने हेड कहाँ पहनते हैं? अपने हेड पे पहनते हैं, सॉरी, कहाँ पहनते हैं? हेड पे पहनते हैं. वहाँ पर फीट में पहनते हैं और यहाँ कहाँ पहनते हैं? हेड में.
इसके बाद है फोर्थ सेंटेंस, बोट्स सेल इन द सी। तो अवर लैंड है, क्या होता है, बोट्स कहाँ चलती है, सी पर चलती है, समुद्र में चलती है। लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ चलती है, बोट्स सेल ऑन द स्ट्रीट्स। बोट्स कहाँ चलती है, स्ट्रीट्स पे चलती है। जो कंपेरिजन बुक में नहीं दे रखा है मैंने वही यहाँ पर लिखा है, जो बुक में दे रखा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन टोटल करेंगे। एंड देन लास्ट सेंटेंस ही, इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। फॉर टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है कि लोग जो चीज़ नहीं खरीदते, जो चीज़ नहीं लेते हैं, जो उनको नहीं मिलता है, उसके लिए उनको पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, दैट स्पेसिफिक शॉर्ट हियर, सो आई हैव रिटन दिस हियर आवर लैंड। हमारे यहाँ क्या होता है, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। हमारे यहाँ हम लोग जो चीज़ लेते हैं, जो पे करते, जो खरीदते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसी के लिए हम पे करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दिस। ओके, थैंक यू।